Hey everyone, welcome back. I hope आप लोग सभी बेहतर होंगे खुशहाल होंगे और मजे में होंगे आज मैं आप लोग के साथ अपना थर्टी मिनट्स मॉर्निंग क्लीनिंग रूटीन शेयर कर रही हूँ जिसमें कि मैं अपने आप को मॉर्निंग में ना सिर्फ थर्टी मिनट्स देती हूँ और थर्टी मिनट्स में मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी जो भी क्लीनिंग है वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा समेट सकूँ क्योंकि ना गर्मी इतनी पड़ रही है कि काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है बट काम हमारा है तो करना तो पड़ेगा तो बस आज मैं कुछ इसी तरह के टिप्स आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो चलें स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले ना मैं ब्रेकफास्ट वग़ैरह करने के बाद बच्चों को कराने के बाद तो फिर स्टार्टिंग करती हूँ अपनी क्लीनिंग की तो क्लीनिंग में ना जो मेरी स्टार्टिंग होती है वो बेडरूम से होती है बेडरूम में यानी कि बेड पर जितना भी सामान होता है तो उसको उठा के उसी की जगह पर मैं रख देती हूँ साथ ही एक जो कपड़ा होता है माइक्रोफाइबर का वो बेड के हेड पर भी लगा देती हूँ क्योंकि हल्की फुल्की ना डस्ट आ ही जाती है बेडशीट को अठाके के झाड़ना है या फिर अगर मैं रात में उसकी टकिंग कर चुकी होती हूँ तो मॉर्निंग में बस मैं उसको ऐसे ही झाड़ देती हूँ नेक्स्ट है कि जो भी टॉयज़ वगैरह होते हैं बच्चों के बिखरे हुए जैसा कि आप लोगों ने पहले देखा कि जब मैं बेडशीट ठीक कर रही थी तो यहाँ पे दानीन थी तो बस आ, मैं जो भी टॉयज़ बिखरे पड़े हैं उन टॉयज़ को उठा के रख दूँगी और जो भी कपड़े वगैरह होते हैं मुझे फ़ोल्ड करने के साथ में मैं उनको भी कर देती हूँ जैसे कि एक आध कपड़ा बेड पे पड़ा होता है या फिर चेयर्स पे पड़ा है तो बस उठा के उन्हें रख दिया कभी कभी ऐसा होता है ना कि बच्चे उठते साथ ही खेलने लग जाते हैं तो अब हम उन्हें खेलने से तो रोक नहीं सकते तो बिना चिड़चिड़ाए इस काम को हम लोग आराम से कर सकते हैं उसके बाद फिर मैं आती हूँ बाहर के रूम में तो मैं ना ऐसा करती हूँ कि जब तक कि मेरे एक रूम की पूरे तरीके से क्लीनिंग नहीं हो जाती है तब तक मैं दूसरे रूम में एंटर नहीं करती तो ड्रेसिंग टेबल को ठीक करना साथ में जो टॉयज़ वग़ैरह बिखरे पड़े हैं और जो कपड़े हैं उनको ठीक करना उसके बाद फिर मैं आती हूँ बाहर वाले रूम में तो कुछ जो डस्टिंग होती है ना वो मेरी डेली बेसिस पर होती है यानी कि मैं डेली ही करती हूँ और कुछ डस्टिंग जो होती है वो मैं वीकली करती हूँ और कुछ मंथली तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपने पार्ट्स को डिवाइड कर सकते हैं कि कौन सी आपको या किस पार्ट्स की आपको डस्टिंग या क्लीनिंग डेली करनी है या फिर वीकली करनी है तो यहाँ पे ना टीवी कैबिनेट को या कूलर के ऊपर की जो सरफेस हुई तो ये जो एरिया होते हैं ना ये मेरे ना डेली क्लीनिंग में ही आते हैं जब ना टीवी देखते हैं तो जैसे जब कभी सेट टॉप बॉक्स से उन्हें चैनल चेंज करना है या ऊपर जो नीचे ट्रंक रखा है ना तो ट्रंक पे खड़े होकर टीवी पे हाथ वगैरह लगाना तो बच्चों की तो आदत होती ही है तो इस तरह से टीवी पर भी बच्चों के हाथ लग जाते हैं तो बस उसको मैं डेली बेसिस पर ही क्लीन करती हूँ साथ में जहाँ मैं रिमोट वगैरह रखती हूँ उस सेल्फ़ को भी अच्छे से क्लीन कर देती हूँ तो ये बिल्कुल आपके ऊपर होता है कि आप अपने घर के जितने भी पार्ट्स हैं उनको किस तरह से डिवाइड करते हैं साथ ही फिर बारी आती है इस ट्रंक की तो जो भी आसपास मुझे सामान बिखरा हुआ दिखता है तो सबसे पहले ना मैं उस सामान को उठा के रख देती हूँ और फिर जिस एरिया को मुझे क्लीन करना होता है उस एरिया को मैं क्लीन करती हूँ जैसे कि ना यहाँ गिलास वगैरह था तो बस उसको उठा के मैं बाहर रखाई धोने वाले बर्तनों में और साथ ही मैंने प्लो वग़ैरह को ठीक कर दिया कुशन को और जो ब्लैंकेट था तो उसको भी ठीक कर दिया रात में ना हम लोग लेटते हैं तो ना जैसे बाटर बोटल हुई या फिर मॉर्निंग में उठ के गर्म पानी पिया है तो इस तरह से ये छोटा सा स्टूल है इस पर काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं तो पहले ना मैं मॉर्निंग में उठकर जो भी मोटा मोटा सामान होता है यानी कि जिस एरिया की मैं क्लीनिंग कर रही होती हूँ उस एरिया का जो भी मोटा मोटा सामान होता है सबसे पहले मैं उस सामान को उठा देती हूँ और उसके बाद ही फिर मैं डस्टिंग वगैरह और क्लीनिंग करती हूँ तो जो भी सामान था मेरा आपका बैग बॉक्स वगैरह ये सारी चीज़ें मैंने हटा दी उसके बाद बेड के हेड को भी यहाँ पे मैंने क्लीन कर दिया और साथ में बेड शीट को हटा के छाड़ के दोबारा से इसकी चैकिंग कर दी क्योंकि ये वाला जो बेड है ना वो हमारा ज़्यादातर यही यूज़ होता है बच्चे वगैरह यहीं बैठ कर खा भी लेते हैं खेल भी लेते हैं साथ में टी वी भी देखते हैं और पढ़ाई भी हो जाती है नेक्स्ट है ये स्लिप तो ये वाली स्लिप ना अक्सर करके आप लोग देखिएगा कि ये वाली स्लिप जो है वो मैं मॉर्निंग में डेली ही क्लीन करती हूँ और शाम होते होते तक ये जो स्लिप है वो पूरे तरीके से भर जाती है क्योंकि बच्चों ने पानी वगैरह पिया तो गिलास यहीं रख दिया रात में मैं बच्चों को दूध वगैरह देती हूँ तो फिर बाहर जाने के आलस में यहीं पर हम लोग रख देते हैं गिलास वगैरह कप वगैरह हुआ तो इसलिए ना ये स्लिप काफ़ी भर जाती है बट डेली ही मॉर्निंग का मेरा काम होता है कि मैं इस स्लिप को ऐसे ही नहीं छोड़ती मॉर्निंग में उठने के बाद जो सामान जहाँ का होता है उसको उठा के वहीं रख दिया और जिन चीज़ों की मुझे इस एरिया में डस्टिंग या क्लीनिंग करनी होती है वो मैं कर देती हूँ यहाँ पे साथ ही मैं एक वाटर कूलर भी रखती हूँ तो बार बार ना हमें फ्रीज खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती साथ ही आज ना मैंने बिस्किट ट्राई किए थे तो ये होम बिस्किट है आटे के और गुड़ के मैंने बिस्किट बनाए फ़र्स्ट टाइम एयर फ्रायर में बनाए थे और एयर फ्रायर को भी मैंने यहाँ पे फर्स्ट टाइम यूज़ किया है नेक्स्ट टाइम ना जब भी मैं बनाऊँगी तो आप लोग के साथ इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी फर्स्ट टाइम था तो आ, सोचा कि फ़र्स्ट टाइम में मैं कोई भी रेसिपी वगैरह आप लोग के साथ शेयर नहीं कर दी बाई चांस अगर मुझसे गलत हुआ तो फिर अच्छा नहीं लगेगा आप लोग उसको ट्राई करें और जब अच्छा ना बने तो इसलिए ना मैंने फ़र्स्ट टाइम की वजह से इसकी रेसिपी शेयर नहीं की है बट जब बनने के बाद हम लोगों ने ट्राई किया था तो यकीन माने टेस्ट में ना काफ़ी अच्छे लग रहे थे और बाहर के जो भी बिस्किट वग़ैरह होते हैं उससे काफ़ी हेल्दी भी थे तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि बच्चों को ना बाहर की चीज़ें बिल्कुल भी ना दें जो भी हो आप घर में बेक कर सकते हैं हफ्ते में एक या दो बार अपने बच्चों के लिए कुछ भी ना बाहर की जो चीज़ें होती हैं वो काफ़ी टाइम से रखी हुई होती हैं केमिकल्स वग़ैरह की तो इसलिए कोशिश करें आप लोग बच्चों को खुद से ही कुछ ना कुछ बेक करके कुछ अच्छा सा बना के देती रहे तो ये देखें यहाँ पे मैंने टाइमर सेट कर दिया था और 20 मिनट में जो बिस्किट थे वो काफ़ी अच्छे से बेक हो गए थे और ठंडे होने के बाद ना एकदम से क्रस्पी थे आटे के और गुड़ के मैंने इन बिस्किट को बनाया था तो हेल्दी भी थे और अगर आप लोग डाइट कर रहे हैं ना तो डाइट में भी आप लोग इन बिस्किट को शामिल कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम मैं इसकी रेसिपी आप लोग के साथ जरूर शेयर करूँगी हम सभी लोगों ने बिस्किट खाए थे ना तो काफ़ी ही अच्छे लग रहे थे और मेरा आपका रिएक्शन तो आप लोग देख ही सकते हैं बिस्किट को खाने के बाद मेरे यहाँ ना हफ्ते में तीन दफ़ा सब्जी आ जाती है हरी सब्जी तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी सब्जी आए तो मैं उसको तुरंत ही रख दूँ उसी की जगह पर कि प्याज़ वग़ैरह को मैं उसी के उसी की जगह पर रख देती हूँ आलू का शेक्सन मैंने एक अलग बना रखा है तो प्याज और आलू ये चीज़ें ना मैं फ्रिज में नहीं रखती हूँ साथ ही फिर जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स वग़ैरह होती हैं जैसे कि टमाटर है आम हरा धनिया पुदीना और जो भी सब्ज़ी होती है तो उसको मैं कोशिश करती हूँ कि तुरंत ही वॉश करके सुखा के यानी कि माइक्रोफाइबर के टॉवल पर मैं रख देती हूँ पाँच से सात मिनट के लिए और अच्छे से सब्ज़ी सूख जाती है और सूखने के बाद ना मैं फ्रिज के जितने भी मैंने नए ऑर्गेनाइजर लिए हैं तो मैं उसमें रख दूँ आप लोग भी इस तरह से कर सकते हैं इससे ना आप जब भी बनाएंगे तो उस टाइम पर आपके टाइम की बचत हो सकती है यानी कि आपको सब्ज़ी निकालना है और बस फटाफट से उसकी कटिंग चॉपिंग कर लेनी है कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं कि जिन्हें हम लोग चॉप करके भी रख सकते हैं तो यहाँ पे ना मैंने सब्जियों को धो के रख दिया था और पाँच से सात मिनट के लिए तो जब अच्छे से वो सूख गई थी उसके बाद फिर से मैंने सॉफ्टली जो माइक्रोफाइबर की टॉवल थी उसको सब्जियों को थोड़ा थोड़ा सा रब कर दिया जिससे कि जो भी हल्का फुल्का पानी है वो क्लीन हो जाए और जो सब्जियां थी तो फिर मैंने उन्हें उन्हीं के सेक्शन में यानी कि आ, जहां मुझे जो चीज़ रखनी थी उस तरह से रखी काम मुश्किल से पाँच से दस मिनट का होता है और अगर हम लोग छोड़ दें तो ये दो तीन दिन तक ऐसे ही पड़ा रहता है फिर नेक्स्ट डे फिर सब्जियाँ आती हैं और ना प्लास्टिक की पॉलीथीन में पड़े पड़े सब्जियाँ भी ख़राब हो जाती हैं तो कोशिश करें कि जो काम जब का है वो आप लोग उसी वक्त ही करके निपटा दें तो बस यहाँ पे मैंने सारी सब्जियों को लगा दिया वीडियो से अगर मेरी आप लोग को थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर जब आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों के आ, सबके ही कमेंट्स का जवाब दूँ मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग सी वीडियो में पहली बार है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें